नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डीजल पेट्रोल की सप्लाई की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। जहां मध्य प्रदेश के 1000 पंप सूखने जैसी स्थिति में हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून से ठीक पहले 40% पंपों में डीजल ही नहीं है। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है, और अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। आज इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेल संकट, मानसून से ठीक पहले किसानों पर मुसीबत, तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की खटाई सप्लाई, घाटे का हवाला देकर सरकार से मांग रहे भरपाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कम होने से लोग परेशान हैं, और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में तेल की किल्लत और बढ़ सकती है। दरअसल मांग के हिसाब से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में तेल कंपनियां 50% ही पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कर रही हैं। कई पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ेगी। कुछ कंपनियां 48 घंटे में सिर्फ एक बार तेल की सप्लाई दे पा रही हैं। मध्य प्रदेश में 3900 पेट्रोल पंप हैं, इनमें से 40% में तेल की कमी है। अब सवाल उठता है कि प्रदेश में तेल का सप्लाई चेन गड़बड़ाया क्यों, आखिर अचानक से कैसे आपूर्ति प्रभावित हो गई? तो जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल में घाटे का दावा किया है। डीजल में 23 रुपए और पेट्रोल में 16 रुपए प्रति लीटर का घाटा बताया, इसीलिए कंपनियां खपत के मुताबिक पेट्रोल और डीजल नहीं दे पा रही हैं। केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी थी। तेल कंपनियों का कहना है कि इससे उनका घाटा बढ़ गया है। तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें 50 बैरल तेल कम मिल रहा है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई का चेन पूरी तरह गड़बड़ाया है, और आने वाले हफ्तों में स्थिति और बिगड़ सकती है। तो वहीं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इसके लिए मुख्य सचिव को एसोसिएशन ने लेटर भी लिखा है। वैसे तेल की किल्लत सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून से ठीक पहले डीजल का संकट ऐसा गहराया है कि एक दो दिन में हालात और खराब होने वाले हैं। राजधानी रायपुर, धमतरी और गरियाबंद जिलों में तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 40% पंपों में डीजल नहीं है। प्रदेश में डीजल की किल्लत की सूचना से किसान परेशान हो गए हैं, क्योंकि मानसून करीब है और उन्हें खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर में बड़े पैमाने पर डीजल चाहिए। इस वजह से बुआई से पहले खेत तैयार करने का काम भी संकट में आ चुका है। बहरहाल पेट्रोल डीजल की किल्लत से सिर्फ खेती किसानी पर ही नहीं, बल्कि दूसरे सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि तेल सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए। टीम न्यूज़ डे। तो तेल को लेकर के बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी चुनौती से कैसे पार पाएगी सरकार, ये अपने आप पे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी को जरा समझ लेते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले, क्योंकि ये जो तेल का संकट इस वक्त गहराता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। छत्तीसगढ़ में लेकिन डीजल को लेकर के परेशानी, मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल दोनों पर परेशानी, कारण क्या नजर आ रहा है इस पर? देखिए, ऑयल कंपनियों की लाल फीताशाही, ऑयल कंपनियों की प्राइस वार, ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की बेलगाम व्यवस्थाओं के जरिए चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डीजल पेट्रोल का इतना बड़ा संकट आ खड़ा है कि आज देखिए, जो समय अवधि पर पहुंचाने वाले माल होते हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, मेडिसिन हो, दवाइयाँ हो, इसके अतिरिक्त कृषि संसाधनों के जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं है। और इसको जब डीजल पे मुनाफा कर रही थी कंपनीज, अगर इनको कुछ घाटा हो रहा है तो ये अपने खर्चों पे, जो ऑयल कंपनीज के अधिकारी हैं,
जो ऑयल कंपनीज की जो 7-स्टार सुविधाएं ले रहे हैं उनमें कटौती करें, ताकि आम नागरिक की जनता के ये जो सुविधाएं ऑयल कंपनीज के अधिकारी ले रहे हैं ये उनके घर से नहीं, जनता के पैसे से और जनता की जेब से निकले हुए पैसे से टैक्स के रूप में मिल रही हैं। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह है मध्य प्रदेश के संवेदनशील जननायक मुख्यमंत्री जी से कि वो इस पे तुरंत एक्शन लें। अजय शर्मा जी एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि जितने इसमें कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर जो रिजर्व पेट्रोल होता है, पेट्रोल डीजल जो रिजर्व में रखा जाता है वो भी अब उतना नहीं बच पाया है, और कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं सिर्फ वहां पर रिजर्व का पेट्रोल बचा हुआ है, तो ये कारण क्या है? खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। डीलर्स का एडवांस पैसा पेट्रोलियम कंपनियों के पास पड़ा है, 3 दिन एडवांस पेमेंट के बाद भी डीलर्स को माल नहीं दिया जा रहा है, और ये सिर्फ इस वजह से कि कंपनीज को कुछ पैसा घाटा हो रहा है तो वो कम से कम सप्लाई करना चाहते हैं। जिससे मेरा एक उदाहरण के तौर पे, अगर 100 टैंकर प्रतिदिन लोडिंग होता था तो आज वो 30 टैंकर दिया जा रहा है। एक पेट्रोल पंप को एक दिन डीजल देते हैं, तीसरे दिन पेट्रोल देते हैं, ऐसे में वो कैसे बेचेगा? और जो आप लिमिटेड स्टॉक की बात बोल रहे हैं, वो लिमिटेड स्टॉक आपातकालीन स्टॉक रखा जाता है जो कि कलेक्टर के निर्देशानुसार रहता है, उससे कम पे तो रखने में उसका पेट्रोल पंप सीज हो जाएगा। ठीक है, मैं जरा इस पर भी आऊंगा वापस, जरा अजय शर्मा जी मैं जरा वापस लौटूंगा आपके पास, और जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिजर्व पेट्रोल को लेकर के अब ये सवाल उठाया जा रहा है, कई जगहों पर जो कंपनियां हैं वो बड़ा खेल खेल रही हैं, और जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं जरा उस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन दुर्गेश हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, ये चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, दोनों राज्यों के अंदर कुछ ऐसे ही कमोवेश तस्वीरें देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप डीलर जो हैं उनका आखिर कहना क्या है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास कई डीलर्स का ये शिकायत भी है कि हम पैसा दे चुके हैं एडवांस में, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियां हमें तेल प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। समस्या है, लेकिन इस समस्या को कोई भी पेट्रोल पंप वाला अभी फिलहाल स्वीकार नहीं करता है। जबलपुर की जब हमारी पेट्रोल पंप एसोसिएशन से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि देखिए फिलहाल इतनी गंभीर स्थिति नहीं बनी है, लेकिन इस तरह की खबरें मार्केट में आने से जो लोगों की पेट्रोल डलवाने की क्षमता है वो बढ़ गई है। जो 100 रुपए या 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे अब 1000 या 500 रुपए का पेट्रोल डलवाने की कोशिश में कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की स्थिति तो है, गड़बड़ स्थिति हुई है, क्योंकि जो सप्लाई पेट्रोल पंपों को होना चाहिए थी वो सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है पेट्रोल पंप संचालकों के सामने कि एडवांस पेमेंट मांगा जा रहा है। अब तक एडवांस पेमेंट का सिस्टम नहीं था, एक 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 15-20 दिन की साइड मिलती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। अब जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, वो एडवांस पेमेंट मांग रही हैं। अब एडवांस पेमेंट मांगने पर स्थिति में ये हो रहा है कि एडवांस पेमेंट दे नहीं पा रहे हैं और उससे सप्लाई प्रभावित हो रही है। स्वाभाविक बात है, मैं एक ऐसे ही पेट्रोल पंप मौजूद हूँ, हालांकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इस मुद्दे पर बातचीत करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि जिस तरीके से जो लोग पेट्रोल पंप संचालक हैं वो क्या इस बारे में कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो चूंकि सभी कर्मचारियों का ये कहना है कि फिलहाल इस संबंध में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी स्थिति कब तक ये सुधर पाएगी, या क्या वाकई इतनी गंभीर स्थिति है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, ये कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आधिकारिक बयान जो होना चाहिए वो अभी कहीं से नहीं आया है। मध्य प्रदेश सरकार का भी ये कहना है कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है, हम पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में मदद कर रहे हैं, और तेल कंपनियों का भी अभी खुले तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। दुर्गेश, ठीक है, आप लोगों से बात करें और पेट्रोल पंप के जो ओनर है उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले जरा मैं एक रिएक्शन आपसे और लेना चाह रहा हूं कि अभी जहां पर आप जिस पेट्रोल पंप पर हैं कितने घंटे यहां पर पेट्रोल की सप्लाई हो पा रही है, क्योंकि कई जगहों पर शिकायत मिल रही है कि 48-48 घंटे बीत जाते हैं, 12-12 घंटे बीत जाते हैं, पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद वापस से सप्लाई शुरू की जाती है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर बातचीत करने की, क्योंकि ये पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो अभी ये बताते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अभी निरंतर सप्लाई हो रही है। हो रही है, कितने घंटे? 24 घंटे। अभी ये जो पेट्रोल की समस्या आ रही है कमी, क्या ऐसी नहीं भैया? अभी ऐसी नहीं दिखाई दी। देखिए, इस बात से फिलहाल तो इनकार किया जा रहा है कि पेट्रोल की स्थिति कैसी बनी हुई है, लेकिन ये कह पाना बेहद मुश्किल है पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी कि ये कब तक बनी रहेगी, क्योंकि देखिए
जैसा कि मैंने कहा कि आधिकारिक बयान अभी किसी का आया नहीं है कि इस मामले पर कितनी स्थिति बेकार है या कितनी हो सकती है, तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। लेकिन फिलहाल अभी पेट्रोल मिल रहा है, जबलपुर के पेट्रोल पंप की मैं बात करूं तो लगभग हर एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है। यानी कि जबलपुर में पेट्रोल पंप पर तो अभी फिलहाल उपलब्ध हो पा रहा है पेट्रोल और डीजल दोनों, लेकिन आगे कब तक उपलब्ध हो पाएगा इसको लेकर के संकट बना हुआ है। मैं जरा वापस अजय शर्मा हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अजय शर्मा जी, अभी कहा जा रहा है कि कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर कई कई घंटों तक बाधित कर दिया जा रहा है, पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाता है, लोग चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप, पता चलता है दूसरे पेट्रोल पंप पर भी जाकर के वहां पर भी अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ी पशुपेश की स्थिति बन गई है। देखिए, अभी आपने एक डीलर से बात किया, आपके संवाददाता ने, तो डीलर कैमरे के सामने में बोलने से डरते हैं। डीलर्स की दिक्कत यह है कि डीलर्स के ऊपर जो प्रभाव इन ऑयल कंपनीज के अधिकारियों का है, इनके अधिकारियों से भयभीत होकर वो कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं, परंतु स्थितियां कमोवेश ये हैं कि भयंकर से विकराल होती जा रही हैं। आप देखेंगे कि जो ग्रामीण या बिल्कुल निचले अंदर के ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप हैं, वहां तो कॉस्ट से ज़्यादा, जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा रेट पे भी बेचा जा रहा है। करें क्या, आम आदमी को जिसको ट्रैक्टर में डीजल डलवाना है, जिसको ट्रक के अंदर डीजल डलवाना है, जिसको जेसीबी के अंदर डीजल डलवाना है, जिसको अपने रोजमर्रा के डंपर में डीजल डलवाना है, उसको तो डीजल के बगैर तो गाड़ी चल नहीं सकती ना, तो उसे अगर मूल्यों से अधिक भी लेना पड़ेगा तो वो लेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है। और देखिए, और अगर महंगे दामों में भी मिल रहा है तो ये तो मजबूरी हो चुकी है कि महंगे दामों में भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको जरूरत का काम तो करना होगा। मैं अजय शर्मा जी वापस लौटता हूँ, लेकिन ग्वालियर से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी ग्वालियर में स्थिति क्या है, क्या अभी अलग अलग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 24 घंटे मिल रहा है या कुछ इसमें कट लगाए जा रहे हैं, कुछ समय बंद कर दिया जाता है पेट्रोल पंप? देखिए, मैं बताऊं, ग्वालियर में जो पेट्रोल पंप डीलर हैं और जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो ग्वालियर में अभी डीजल और पेट्रोल की ऐसी कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। दो पेट्रोल पंप डीलरों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा यहां तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कंपनियों की तरफ से एक जरूर पाबंदियां थोड़ी सी लगा दी गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जिन पेट्रोल पंपों पर 50,000 लीटर से कम की खपत है वहां सप्ताह में शनिवार और सोमवार को तेल सप्लाई नहीं किया जाएगा, तो इसकी वजह से उन इलाकों में उन पेट्रोल पंप पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। लेकिन अभी ग्वालियर के जितने भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन हैं, डीलर्स हैं, उन्हें कोई खासी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ग्वालियर के कई पेट्रोल पंपों को हमने देखा है, ना तो हमें कहीं कोई लाइन नजर आ रही है और ना ही कोई किल्लत की बात कर रहा है, तो यहाँ अभी सुचारू रूप से जरूर सप्लाई चल रही है। आने वाले दिनों में अगर कहीं कोई दिक्कत खड़ी होगी तो उसकी भी अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई, ये पाबंदियां अगर ज्यादा बढ़ गई तो लोगों के लिए जरूर तेल का संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि कंपनियों ने यह भी कहा है, हालांकि नाम किसी ने नहीं बताया है, लेकिन जो एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि कंपनियों का ये कहना है कि अभी वो बिल्कुल भी उधार नहीं देंगे। उधार यानी पहले पैसे उनके अकाउंट में चले जाएंगे, उसके बाद ही वो तेल का टैंकर पेट्रोल पंपों पे भेजेंगे। यानी कि एडवांस पेमेंट को लेकर के पहले कहा जा रहा है, पहले एडवांस पेमेंट होगी उसके बाद में पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जा सकेगी। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं मनोज, लेकिन अजय शर्मा मैं जरा वापस से जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा आम लोगों को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई, उसी का असर है क्या ये? नहीं, देखिए, अभी जो भारत सरकार ने अपने रेट्स में कमी करी है ना, इसके चलते ऑयल कंपनी के अधिकारी जो है ना वो इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमको जो हमें इससे घाटा हो रहा है, और भारत सरकार के माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भी अभी हाल ही में एक बयान जारी करके अधिकारियों को बोला गया है कि अगर ऑयल कंपनीज को कोई नुकसान हो रहा है तो भारत सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, वो उनको ध्यान देगी, उसको पूर्ति के लिए कोई वो करेगी। परंतु आप इस प्रकार से सप्लाई स्लो कर देंगे, आप मनमाने ढंग से लोगों को माल कम देने लगेंगे, ये तो कोई रास्ता नहीं है ना। जब आप लाभ कमाते हैं
मैं तो भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि इनके खर्चों में भी कटौती करी जाए। ये जो 7 स्टार सुविधाएं भोग रहे हैं इनकी वो उनको भी कमी करें, चूंकि ये खर्चे जनता की जेब से जाते हैं टैक्स के रूप में। ठीक है, जबलपुर का रुख करूं, लेकिन उससे पहले जरा अजय शर्मा जी एक और सवाल आपसे कि ये जो कहा जा रहा है कि तेल कंपनियां, कई जो तेल कंपनियां हैं उनमें से क्या सिर्फ चुनिंदा कंपनियां ऐसी हैं जो कि तेल सप्लाई बाधित कर रही हैं, या सभी कंपनियां ऐसी हो चुकी हैं जो कि अब जो तेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोक रही हैं या बाधित कर रही हैं, एजेंसीज तक नहीं पहुंचा रही हैं? देखिए प्राइवेट कंपनीज के जो पंप है ना, चाहे रिलायंस हो, नायरा हो, एसआर हो, बायो हो, इन लोगों ने तो ऑलरेडी बंद ही कर दिया है। अब जो भारत सरकार के उपक्रम है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, ये लोग भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहे हैं और वो जानबूझ के माल की सप्लाई कम दे रहे हैं। एक डिपो से जहाँ 500-500 300-300 टैंकर लोड होते थे, वहाँ 30 टैंकर लोड होना इस बात का परिचायक है कि वो कहीं ना कहीं इनकी मंशा खराब है। ठीक है, अब ये पेट्रोल डीजल ना मिलने की वजह से इसका असर कितना पड़ रहा है, जरा ग्राउंड जीरो पर हमारे दोनों संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जबलपुर का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूँ दुर्गेश, क्योंकि अब इसमें क्योंकि किसानों को भी बड़ी परेशानी है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो भी इससे बाधित होता हुआ नजर आता है, और सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय के अंदर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल, खास करके डीजल की बात कर रहे हैं, डीजल की उपलब्धता ना होने की वजह से क्या अब जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो बाधित होगा, क्या खाने पीने की चीजों पर भी इसका असर होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये ठीक वैसे ही है जैसे डीजल और पेट्रोल के दामों में जब इजाफा होता है तो बाकी चीजें अपने आप प्रभावित होती हैं, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो, सब्जियों के दाम हो, या फिर बाकी चीजों के दाम हो, या फिर किराया हो, तो स्वाभाविक बात है जब डीजल की कमी होगी तो ये तमाम चीजें भी प्रभावित होंगी। क्योंकि देखिए जैसा कि हम अभी कह रहे हैं कि ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वाकई डीजल और पेट्रोल की कमी है, लेकिन जिस तरह के हालात हम कई पेट्रोल पंपों के देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, उससे साफ जाहिर है कि अभी भयंकर स्थिति नहीं बनी है, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये हालात बन सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि यदि डीजल की कमी होगी तो कृषि से संबंधित जो तमाम कामकाज हैं वो प्रभावित होंगे। अभी बोनी का समय है, देखिए बरसात प्री मानसून का मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है और ये बोनी का समय होता है, लोग मक्का जैसी फसलें बोते हैं, धान जैसी फसलें बोते हैं, तो उन सब तमाम चीजों के लिए कृषि उपकरण लगते हैं और उनके लिए डीजल चाहिए, तो स्वाभाविक बात है ये काम प्रभावित होगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर डीजल उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो जो माल एक शहर से दूसरे शहर जाता है वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा, तो जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा इस चीज का फायदा उठाने के लिए, और माल की जो आवक है वो प्रभावित होगी, तो माल की सप्लाई में कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ने वाला है। जरूरत है कि आने वाले समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियां, पेट्रोल पंप संचालक और सरकार इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दे और इस भयानक स्थिति ऐसी भयानक स्थिति ना बन पाए ऐसी पुरजोर कोशिश करें, क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल की चीजें प्रभावित होती हैं तो ये तय मान के चलिए कि महंगाई के दौर में आने वाले समय में दाम और भी ज्यादा बढ़ेंगे, आम लोगों की जेब पर और भी ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है और आपको ज्यादा पैसे खाने पीने की चीजों को लेकर के चुकाने पड़ सकते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता दुर्गेश बता रहे हैं। आप जरा ग्वालियर का रुख कर लेता हूं, मनोज शर्मा लगातार बने हुए हैं। मनोज, विनोद जरा इस पर एक जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं कि अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी जो हालात बने हुए हैं, लोगों के अंदर पैनिक का ऐसा माहौल भी देखने को मिल रहा है क्या? लोग पैनिक कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ग्वालियर के अंदर तो अभी सभी चीजें सामान्य है, तो लोगों की भीड़ भी क्या बढ़ रही है वहां पर? देखिए लोगों में अभी बिल्कुल भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि डीजल और पेट्रोल की कमी आने वाली है, क्योंकि वो सुचारू रूप से जैसे रोज पेट्रोल पंप पर पहुंचते थे और गाड़ी में तेल भरा के निकल जाते थे, वैसे ही तस्वीर आज भी हमें दिखाई दे रही है। आज भी कहीं भी किसी भी पेट्रोल पंप पर किसी ने भी इस तरह की शिकायत नहीं कराई है या किसी ने भी ये बात नहीं बताई है कि किसी पंप पर उन्हें तेल नहीं मिला है। जहां तक हाईवे के जो पेट्रोल पंप है और डीजल पंप है वहां से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है, केवल एसोसिएशन की तरफ से जरूर ये बात कही गई है कि जो वीकली तेल सप्लाई की पाबंदियां लगाई हैं उन्हें जल्दी हटा दिया जाए, क्योंकि तमाम ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां 50,000 लीटर से नीचे भी तेल सप्लाई होता है, उन्हें अगर कंपनी नहीं देगी तो आजू बाजू के जो पेट्रोल पंप होंगे वहां उतना क्राउड शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हालांकि ऐसे हालात नहीं है और ना ही लोगों में कोई पैनिक नजर आ रहा है, लेकिन अगर सिचुएशन और ज्यादा टाइट हो जाएगी,
तेल के टैंकर पेट्रोल पंपों पर पहुंचने की संख्या कम हो जाएगी तो जरूर लोगों को इस चीज का आभास होने लगेगा। ठीक है, आप इंदौर का रुख कर लेते हैं जरा। इंदौर से हमारे संवाददाता मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आप ये कहा जा रहा है कि ये जो आप कुछ कागजी कार्रवाई की गई है, ये जो कहा गया है कि कुछ पाबंदियां हैं, तो क्या ये सिर्फ कागजी रूप में है या असल में इंदौर में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लोग संकट में आ चुके हैं, पेट्रोल डीजल मिल नहीं पा रहा है? देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में सब कुछ सामान है, कहीं भी ऐसी कोई पैनिक स्थिति नहीं देखने को मिल रही है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो। और सब कुछ अगर अभी कागजी ही है ऐसा हम कह सकते हैं। एसोसिएशन की तरफ से अभी हालांकि कोई भी इंदौर में भी कुछ बयान नहीं आया, न कोई ऐसा स्टेटमेंट इंदौर की तरफ से भी जारी किया गया इंदौर पेट्रोल पंप के एसोसिएशन की तरफ से। तो हम ये कह सकते हैं कि इंदौर में पूरी तरीके से सामान है, कोई पैनिक स्थिति नहीं है। पेट्रोल पंप जिस तरीके से सुचारू रूप से चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, कहीं आपको किसी भी पेट्रोल पंप में भीड़ नजर नहीं आएगी। तो ग्रामीण स्तर में और जिला स्तर की अगर हम बात करते हैं, शहर में भी सभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त मात्रा है और इंदौर में सब कुछ सामान नजर आ रहा है। यानी कि सभी कुछ सामान्य नजर आ रहा है। मैं वापस से जरा अजय शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। अजय शर्मा जी, ये सिर्फ कागजी रूप में देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके हमारे संवाददाता जो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं उसमें तो ये है कि पेट्रोल पंप पर अभी तक सिचुएशन ठीक नजर आ रही है। क्या सिर्फ अभी तक ये कागजी रूप से प्रतिबंध के तौर पर एक इसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, आपकी जो रिपोर्टिंग जो ग्राउंड जीरो से हो रही है शहरी क्षेत्रों में है, जहां आपने जबलपुर किया, ग्वालियर किया, इंदौर किया, ये आपके जो संवाददाता हैं ये शहरों में देख रहे हैं। अभी आप जब हाईवेज पे निकलेंगे ना तो हाईवेज के कई पंप आपको बंद मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने संवाददाता जी को आग्रहपूर्ण कहिए कि मांगलिया डिपो में जाके देखें, ग्वालियर के संवाददाता जी को कहिए रायरू डिपो में जाके देखिए, जबलपुर के संवाददाता जी को कहिए कि भेटोनी डिपो में जाके देखिए। तो जब वो डिपो में जाएंगे ना तो प्रतिदिन टैंकर की जो सप्लाई थी वो पिछले माह में और आज के दिनों में कितना अंतर आ गया वो आपको स्वयं दिख जाएगा। इसलिए मेरा किसी पे कोई टिक्का टप्पणी या दोषारोपण करने का बात नहीं है, मेरा सीधा ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स को माल मिले वो तो भैया नकदी में खरीद रहा है पैसे लेके। अच्छा, एक चीज मैं और समझ रहा हूँ अजय शर्मा जी, जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ शहरी इलाकों में ठीक से सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में या फिर अगर आप हाईवे पर निकल जाएंगे तो वहां पर ज्यादा पेट्रोल पंप पर संकट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात हैं उसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी नेता का कोई बयान नहीं है? Who can provide the statement? वो कौन देगा? वो कौन अधिकारी आगे आएगा और वो क्यों आएगा? वो तो चाहते हैं कि ये इस प्रकार से ये खेल चलता रहे और तेल कंपनियों को जो थोड़ा नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए अगर एक दिन में 100 टैंकर में नुकसान सप्लाई करके होता है तो 30 टैंकर करेंगे तो कम से कम 70 टैंकर का जो लीटर्स में होगा वो उनको नुकसान से बचेंगे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ और बिगड़ सकती है। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर, वापस लौटता हूं जरा, समय थोड़ा सा कम है। इंदौर से मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। मिथिलेश, अब क्या ग्रामीण इलाकों के या फिर जो हाईवे वाला जो रास्ता है क्या उस पर भी सिचुएशन ऐसी ही है जो फिलहाल शहरों के अंदर नजर आ रही है या उससे अलग है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और इस वक्त मैं इंदौर के आगरा बॉम्बे रोड जो एबी रोड है उस बाईपास के पिपलियाना चौराहे से महज 3 किलोमीटर आगे, इसे बिचौली मर्दाना बाईपास कहते हैं, इस पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। ये बाईपास का पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, कहीं भी आपको ऐसी भीड़ नजर नहीं आएगी, ना कहीं पैनिक स्थिति आएगी। अब जैसा कहा गया कि ग्रामीण स्तर इलाकों में जाके देख ले, हमने सिमरोल देखा, हाट पिपलिया देखा, कनाडिया रोड देखा, सनावत देखा, तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है हर जगह पे ग्राउंड जीरो से हमने देखा, कहीं भी हमें ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। अगर ग्राउंड जीरो से कहीं भी अगर ऐसे हालात दिखते हो तो हम दर्शकों को जरूर दिखाते ग्राउंड जीरो से कि पैनिक की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर 30 किलोमीटर में इंदौर के बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं मांगलिया की अगर जिक्र किया गया तो मांगलिया के आसपास से लेकर कनाडिया का क्षेत्र और पूरा देवगुराड़िया का जो पीछे का पूरा बेल्ट है इसमें कहीं भी पैनिक स्थिति नहीं है। मैं खुद आज 1 घंटे तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा और 10 से ज्यादा पेट्रोल पंप को मैंने ग्राउंड जीरो से देखा, लेकिन कहीं भी मुझे पेट्रोल की किल्लत देखने को नहीं मिली, ना पेट्रोल डीजल की। और इस वक्त
मैं इंदौर के बाईपास भी मौजूद हूँ और बाईपास का पेट्रोल पंप है और आप पीछे देख सकते हैं कि सुचारू रूप से पेट्रोल पंप चल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं से अगर किल्लतों के बीच में अगर हालात ऐसे होते, बेकाबू होते, पैनिक स्थिति होती तो ग्राउंड जीरो से संवाददाता जरूर दिखाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पे हमें ये तस्वीर दिख रही है कि कहीं भी कोई हालात पैनिक की जैसे नहीं है, सब कुछ सामान चल रहा है, सब कुछ पहले तरीके चल रहा है, तो रिपोर्टिंग उसी चीज की दिखाई जाएगी। उम्मीद भी करते हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसी सिचुएशन कम से कम ना बने और पेट्रोल डीजल को लेकर के जो किल्लत की स्थिति और जो कहा जा रहा है अभी ऑन पेपर ये कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कम से कम ना हो हमारी तो उम्मीद यही है। खैर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, आपने जानकारी दी, और एक खास मेहमान अजय शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर संकट तो गहरा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजी है या फिर असल मायने में इसका असर आने वाले एक या दो दिनों में और गहराता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर के आप सरकार को भी और अधिकारियों को भी संजीदगी से काम लेने की जरूरत है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।